अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ उसामा मजीद। टुडे माय लेक्चर इज़ फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के लिए ए इक्वल -1320, बी इक्वल 12 -3 -5, सी इक्वल -263 -9। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में ए बी का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ए बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट में स्टूडेंट्स ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल फर्स्ट वाली ए वैल्यू हुआ -1320, सेकेंड वाली बी वैल्यू 12 -3 -5। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1 × 1 + 3 × -3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 × 2 + 3 × -5। अब स्टूडेंट्स सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 1 + 0 × -3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 × 2 + 0 × -5। नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी इक्वल -1 × 1 + −-3 × 3 = 9, -1 − 9, -1 × 2 = 2, +−-3 × 5 = 15, -2 − 15, 2 × 1 = 2, +−-0 × 3 = 0, 2 − 0, 2 × 2 = 4, +−-0 × 5 = 0, 4 − 0, ए बी इक्वल -1 − 9, -10, -2 − 15, -17, 2 − 0, 2, 4 − 0, 4। अब स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, जो फर्स्ट रो है -10 − 17, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -10 − 17, जो सेकंड रो है 2 − 4, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 − 4। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड इक्वल है राइट साइड वाली वैल्यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स बी का ट्रांसपोज लेंगे, जो फर्स्ट रो है 1 − 2, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 − 2, जो सेकंड रो है -3 − 5, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा -3 − 5। अब स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज लेंगे, जो फर्स्ट रो है -1 − 1 और 3, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 − 3, और जो सेकंड रो है स्टूडेंट्स 2 − 0, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 − 0। अब स्टूडेंट्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट में बी ट्रांसपोज की वैल्यू 1 − 3 − 2 − 5, देन ए ट्रांसपोज की वैल्यू −1 − 2 − 3 − 0। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 − −1 − 3 − 3, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 − 1 × 2 − 3 − 0, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 − −1 − 5 − 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 − 5 − 0। नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, −1 − 3 = 9, −1 − 9, 1 − 2 = 2, −3 = 0, 2 − 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, −2 − 5 = 15, −2 − 15, 2 − 2 = 4, −5 = 0, 4 − 0, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल −1 − 9, −10, 2 − 0, 2, −2 − 15, −17, 4 − 0, 4। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट है बी सी का ट्रांसपोज इक्वल सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बी सी का ट्रांसपोज। फर्स्ट में बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इक्वल फर्स्ट वाली बी की वैल्यू 1 − 2 − 3 − 5, और देन नेक्स्ट वाली स्टूडेंट्स सी की वैल्यू −2 − 6 = 3 − 9। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इक्वल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 − 2 + 2 × 3, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 − 6 + 2 − 9, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से −3 − 2 − 5 − 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से −3 × 6 − 5 − 9। बी सी इक्वल 1 को −2 से मल्टीप्लाई करेंगे, −2 + 2 = 3 = 6, −2 + 6, 1 − 6 = 6, ±2 − 9 = 18, 6 − 18, −−+3 = 6,
माइनस फाइव थ्री जार फिफ्टीन, सिक्स माइनस फिफ्टीन, माइनस थ्री सिक्स जार एटीन, माइनस माइनस प्लस फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव, माइनस एटीन प्लस फोर्टी फाइव। बी सी इक्वल सिक्स में से टू माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, फोर आ जाएगा, सिक्स माइनस एटीन बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस का ट्वेल्व, सिक्स माइनस फिफ्टीन बड़ी वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस किया है माइनस का नाइन, माइनस एटीन प्लस का फोर्टी फाइव तो स्टूडेंट्स प्लस का ट्वेंटी सेवन आएगा। अब स्टूडेंट्स बी सी का ट्रांसपोज लेंगे, फोर माइनस ट्वेल्व जो फर्स्ट रो है स्टूडेंट्स वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फोर माइनस ट्वेल्व जो सेकंड रो है माइनस नाइन ट्वेंटी सेवन, माइनस नाइन और ट्वेंटी सेवन ये सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस नाइन ट्वेंटी सेवन, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड इक्वल सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स सी का ट्रांसपोज लेंगे, जो फर्स्ट रो है माइनस टू सिक्स फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है थ्री माइनस नाइन वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। सी का ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो रो थी माइनस टू सिक्स वो फर्स्ट कॉलम बन गई, जो सेकंड रो था थ्री माइनस नाइन वो सेकंड कॉलम बन गया। बी का ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट रो है वन टू वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा स्टूडेंट्स वन टू, और जो सेकंड रो है माइनस थ्री माइनस फाइव वो सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस थ्री माइनस फाइव। बी ट्रांसपोज इक्वल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई वन टू, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया माइनस थ्री माइनस फाइव। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल फर्स्ट में सी ट्रांसपोज माइनस टू थ्री सिक्स माइनस नाइन, देन बी ट्रांसपोज वन माइनस थ्री टू माइनस फाइव। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाय टू, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स माइनस टू वन जार टू प्लस थ्री टू जार सिक्स, माइनस टू प्लस सिक्स, माइनस माइनस प्लस टू थ्री जार सिक्स, प्लस माइनस माइनस फाइव थ्री जार फिफ्टीन, सिक्स माइनस फिफ्टीन, सिक्स वन जार सिक्स, माइनस नाइन टू जार एटीन, सिक्स माइनस एटीन, सिक्स को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एटीन, माइनस माइनस प्लस नाइन फाइव जार फोर्टी फाइव, माइनस एटीन प्लस फोर्टी फाइव। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल सिक्स में से टू माइनस करेंगे फोर, सिक्स माइनस फिफ्टीन बड़ी वैल्यू माइनस किया स्टूडेंट्स तो माइनस का नाइन आ जाएगा, सिक्स माइनस एटीन बड़ी वैल्यू माइनस किया माइनस का ट्वेल्व, माइनस एटीन प्लस फोर्टी फाइव तो स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू प्लस किया तो प्लस का ट्वेंटी सेवन। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर सिक्स हैव बीन कंप्लीटेड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 देन यू विल कमेंट मी। अल्लाह हाफिज़।